बीजेपी हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए एक ओपन दुश्मन है। से 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देने का जो वादा कर रही है और माइनॉरिटीज के साथ रहने का जो वादा कर रही है, और लेकिन 10 साल से माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन के नाम पर धोखा देते हुए आ रही है। बीजेपी पार्टी सबको मालूम है कि ये माइनॉरिटी के डेड अगेंस्ट है। अभी अमित शाह साहब आए थे और वो क्लियरली बोले थे, सर माइनॉरिटीज का रिजर्वेशंस कैंसिल करके ST SC कोटा में डालेंगे, और हमें ST ST कोटा से निकाल दिया गया क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम्स हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी और BRS के हम मुसलमान को हमारा हक मिले, 12% रिजर्वेशन मिले, जबकि उनको मालूम था 12% रिजर्वेशन नहीं दे सकते बोल के, फिर भी उन्होंने झूठे वादे करके ऐलान करके 2014 से लेके इस इलेक्शन तक भी हमको बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में एक लड़का उठकर बड़ी महफिल में KCR से सवाल करता है, 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, बोले तो बैठो तुम्हारे बाप को जवाब देता हूँ बोल के, ये एरोगेंट उनका ये एटीट्यूड था उनका। देन वी हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ट्रिपल तलाक वगैरह पूरा बैन है, उसको बीजेपी BRS सपोर्ट करे हुए। बीजेपी इज इम्प्लीमेंट NRC एज वेल एज UCC। NRC है, अगर वी कैनॉट प्रूव अ डॉक्यूमेंट देन वी आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वेयर आर वी गोइंग? KCR ने 2014 के इलेक्शन में माइनॉरिटीज को सिर्फ ललीपॉप के जैसा 2,200 करोड़ पर एनम देने का वादा किया है, लेकिन वो अपने वादे पे नहीं रह सके। हमारे काफी सारे मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है, सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। 800 करोड़ की बजट से सेक्रेटेरिएट बनाए उन्होंने, सिर्फ एक छोटी सी जगह पर 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग के साथ वो मस्जिदों की ओपनिंग नहीं कर सके। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उनको 2 मस्जिद बनाने के वास्ते पैसे कम पड़ गए थे? आज पैसा लेंगे खर्चा हो जाएगा। वी शुड टॉक अबाउट इश्यूज। हमारे कंट्री में कितना सारा इश्यूज है, टैक्स टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, हमारे वेलफेयर स्कीम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं। SC SC सीट है जी, एक SC बोर्ड नहीं है इधर, एक SC स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, एक SC लोन इम्प्लीमेंटेशन का डेस्क नहीं है। वेर आर वी गोइंग ऑन दैट? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सिराज, एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से। मेरे साथ हमारे सैमसन सूर्यकांत भाई जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी चेयरमैन है, और हमारे एंटोनी भाई वार्ड 7 माइनॉरिटी चेयरमैन, और हमारे अशरफ भाई। आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना स्टेट के असेंबली इलेक्शन होने वाला है। इसमें 3 पार्टी जो मेजर है वो लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीजेपी की। बीजेपी हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए एक ओपन दुश्मन है, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है किशन रेड्डी, उन्होंने ओपन डिक्लेरेशन ये दे रहा है कि अगर अगर तेलंगाना स्टेट में हमारी अगर हुकूमत बनती है तो जो हमारा जो फिलहाल जो कांग्रेस के तरफ से जो 4% माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया गया था उसको खत्म करने का ओपन ऐलान उन्होंने करे है। अब दूसरी पार्टी जो है यहाँ पर BRS है। BRS 2014 से 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देने का जो वादा कर रही है और माइनॉरिटीज के साथ रहने का जो वादा कर रही है, और लेकिन 10 साल से माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन के नाम पर धोखा देते हुए आ रही है। ये नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी और BRS के हम मुसलमान को हमारा हक मिले, 12% रिजर्वेशन मिले, जबकि उनको मालूम था 12% रिजर्वेशन नहीं दे सकते बोल के, फिर भी उन्होंने झूठे वादे करके ऐलान करके 2014 से लेके इस इलेक्शन तक भी हमको बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं। एक 2018 के इलेक्शन में एक लड़का उठकर बड़ी महफिल में KCR से सवाल करता है, 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, बोले तो बैठो तुम्हारे बाप को जवाब देता हूँ बोल के, ये एरोगेंट उनका ये एटीट्यूड था उनका। अब बात करते हैं एनुअल बजट के बारे में। अगर माइनॉरिटीज को डेवलप करना है तो माइनॉरिटीज बजट को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। KCR ने 2014 के इलेक्शन में माइनॉरिटीज को सिर्फ ललीपॉप के जैसा 2,200 करोड़ पर एनम देने का वादा किया है, लेकिन वो अपने वादे पे नहीं रह सके। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं 2014 में जब BRS की पहली बार हुकूमत बनी थी, उसके बाद से लेके आज तक अगर हम देखते हैं तो टोटल 10 साल का इनका पीरियड रहा है हुकूमत करे से,
इसमें 10 साल के हिसाब से अगर हम 2022 100 करोड़ के हिसाब से अगर देखते हैं तो 22,000 करोड़ 10 साल का माइनॉरिटी बजट होता है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज पर खर्चा करे। इसका मतलब क्या है? और 11,500 करोड़ किधर गए? इससे साफ सीधा सीधा पता चलता है 11,500 करोड़ माइनॉरिटी बजट का सबसे बड़ा स्कैम करी है बीआरएस गवर्नमेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं माइनॉरिटी लोन्स के बारे में। 2014 से लेके 2023 का जो इनका टेन्योर था 10 साल का, इसमें कभी भी इनको माइनॉरिटीज लोन देने का याद नहीं आया। 2015-16 में उन लोगों एप्लीकेशंस लिए, 1,53,000 एप्लीकेशंस सबमिट किए गए माइनॉरिटीज की तरफ से, जब से अब तक लोन नहीं मिला। उसके बाद में रिसेंटली 2,16,000 एप्लीकेशंस, यानी सिर्फ खाली वादे आज दे रहे हैं लोगों को माइनॉरिटीज को कि हम तुम्हारे को लोन देते हो बोल के, आखिर में फाइनली करे क्या बताओ? 10,000 आदमी को माइनॉरिटी 1-1 लाख रुपए लोन दे दिए, क्लोज कर दिए। उसके बाद मैं बात करता हूं वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में। टोटल हमारे तेलंगाना स्टेट में 77,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टीज हम माइनॉरिटीज की थी यहां पर, जिसमें से आज 23,000 एकड़ बाकी है। तो सोचिए 55,000 एकड़ जमीन कहां गई? ये 10 साल में तेलंगाना गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट की जो बीआरएस गवर्नमेंट है, हमारी माइनॉरिटीज की 55,000 एकर्स जमीन लूट के खा गए ना। इसके बाद मैं बात करता हूं जो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी, जब माइनॉरिटीज के लिए 41 कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या जो भी कॉलेजेस हो, ये काफी सारे कॉलेजेस माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था। ये 2014 से लेके 2023 तक अभी तक 41 माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद हो गए हैं केसीआर की गवर्नमेंट में। ये स्कॉलरशिप के नाम पर हमको धोखा मिला, फीस रिएम्बर्समेंट के उसमें हमको धोखा मिला, उर्दू लैंग्वेज को जो सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था उसको ना सिर्फ जबानी दर्जा दिया गया है, ना उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और ना ही ये 10 साल में एक भी उर्दू टीचर्स को कोई भी कॉलेज स्कूल्स में अपॉइंट किया गया है। शादी मुबारक स्कीम के नाम पर आज भी 60,000 से 70,000 एप्लीकेशंस डालकर लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट फंड दिया जाता है। सेंट्रल में बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत हर साल माइनॉरिटीज का बजट को डिक्रीज यानी कम करते हुए आ रही है। केसीआर की इतनी हिम्मत नहीं थी ये 10 साल में एक बार भी पार्लियामेंट में उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाई उन्होंने। और आप सब जानते हैं तेलंगाना स्टेट में 2014 से 2023 तक हमारे काफी सारे मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। 800 करोड़ की बजट से सेक्रेटेरिएट बनाए उन्होंने, सिर्फ एक छोटी सी जगह पर 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग के साथ वो मस्जिदों की ओपनिंग नहीं कर सके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या उनको 2 मस्जिद बनाने के वास्ते पैसे कम पड़ गए थे या लेबर कम पड़ गया था? और सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये करे है सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग के वक्त, ओपनिंग करने के बाद में जब मस्जिदों की ओपनिंग करे उन्होंने, यहाँ की जो स्टेट की बीजेपी की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदर्यराजन, उनके हाथ से मस्जिदों का इनॉग्रेशन कराया गया, जबकि बिल्कुल वो गलत है वो, क्योंकि किसी भी मस्जिद का इनॉग्रेशन लेडीज से नहीं करा सकते, चाहे मुस्लिम लेडी भी रहने दो उनसे भी नहीं करा सकते। क्यों? वहां पे उलमाए दीन की कमी थी वहां पे? अरे रब्बल इस्लाम महमूद अली था, उनसे करा देना था, मुसलमान था कम से कम उन्होंने। किसी भी लेडी रहने दो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम लेडी हो या हिंदी लेडी हो, मस्जिद की इब्तिदा लेडीज से करा ही नहीं सकते थे, इतनी बड़ी गलती करके रखे हुए उन्होंने। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट मक्का मस्जिद ब्लास्ट की। मक्का 2 अप्रैल 2018 में जिसमें 11 एक्यूज इन्वॉल्व है,
लेकिन उनके खिलाफ में अपील बीआरएस गवर्नमेंट अभी तक नहीं डाली है। फिर आलेर एनकाउंटर 7 अप्रैल 2015 को 5 बच्चे मुसलमान बच्चे मारे गए, उसमें भी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। किशनबाग की फायरिंग में 3 जने मर गए 2014 में, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो बताना ये है, ये जो केसीआर की गवर्नमेंट है, ट्रिपल तलाक के मामले में हमारे बीजेपी को सपोर्ट करी पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उनको उसमें सपोर्ट करी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के उसमें उनको बीजेपी को सपोर्ट करी, नोटबंदी में, जीएसटी में, हर वो बिल में बीजेपी को बीआरएस सपोर्ट करते हुए आई है। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि क्या भरोसा कर सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट का जो हर 10 साल में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए आई, आने वाले टाइम पे क्या सपोर्ट नहीं करे, उन्होंने बराबर बिल्कुल सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये बीजेपी और बीआरएस जो है शोले के सिक्के हैं इन लगा, मतलब हेड भी उनका टेल्स भी उनका ही है। तो ये दो पार्टी 2014 से भी मिले हुए थे और आगे भी मिले हुए रहेंगे। उसी लिए मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ मीडिया के जरिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर पार्टी है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है, और माइनॉरिटीज का अगर दर्द समझ सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो मैं आप लोगों से, क्रिश्चियन भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, जितनी भी माइनॉरिटीज है उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि ये फिरखा परस्त पार्टियों को वोट डालकर अपना वोट मत कटाइए, कांग्रेस को जितना हो सकता भारी अक्सरियत से वोट देकर इन्हें कामयाब कराइए। अब मैं हमारे कंटोमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी चेयरमैन सैमसन सूर्यकांत भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने ख्याल जाहिर करिए और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन लोगों के सामने बताइए। थैंक यू सिराज भाई चांस देने के लिए, और हम लोग इकट्ठा हुए आज बात करने के लिए माइनॉरिटी किसको सपोर्ट करना है। तो ऑलरेडी सिराज भाई 2-3 पॉइंट जबरदस्त बोले, अभी मेरी बारी है। सो वी हैव 3 पार्टीज इन फॉर फाइटिंग फॉर एमएलए सीट हियर इन कंटोनमेंट। मैं फर्स्ट बीजेपी पार्टी के बारे में बात करना चाहूँगा। बीजेपी पार्टी सबको मालूम है ये माइनॉरिटी के डेड अगेंस्ट है। अभी अमित शाह साहब आए थे और वो क्लियरली बोले थे सर माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन कैंसिल करके एसटी एससी कोटा में डालेंगे, और हमें एससी एसटी कोटा से निकाल दिया गया क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम्स हैं। वैसे ही वी हैव, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट था लास्ट बीजेपी, तो इमीडिएट सब बैन, हिजाब बैन, बीफ बैन, वो पूरा, एंड देन दे इम्प्लीमेंटेड द एंटी कन्वर्जन लॉ, विच मीन्स दैट कोई भी अगर फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे कोई भी केस डाल सकता है, सीधा 3-5 ईयर्स ऑफ जेल और 50,000 जुर्माना। वो कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी का कांग्रेस रिपील कर दी वो लॉ को। देन वी हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो ट्रिपल तलाक वगैरह पूरा बैन है, उसको बीजेपी बीआरएस सपोर्ट करे हुए, बीजेपी इज इम्प्लीमेंट एनआरसी एज वेल एज यूसीसी। एनआरसी है, अगर वी कैनॉट प्रूव अ डॉक्यूमेंट देन वी आर नॉट सिटिजन ऑफ इंडिया, तो वेयर आर वी गोइंग। तो कैंडिडेट जो भी है, बीजेपी पार्टीज पॉलिसीज आर डेफिनेटली अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, सो वील हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल whom we are choosing. Now coming to other secular party that is in fray, but BRS, हमारे सिराज साहब क्लियरली बोले थे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से कितना लोन, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन ईयर मैनर्स ऑफ फंडिंग वॉज नॉट यूज, एवरेज इज जस्ट लेस देन 40% ऑफ यूसेज, पैसा पूरा किधर गया। एंड कैंडिडेट ऑलरेडी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें क्लियरली उनका डबल बेडरूम फ्लैट्स सेल के लिए लगाए हुए हैं। सो इफ विदाउट पावर इतना करप्शन है, विथ पावर करप्शन किस लेवल का होगा। पीपल ऑफ माइनॉरिटी, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज थिंक अबाउट इट। थिंक योर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो वोट, वोट डालना जरूरी है 30 नवंबर को, और किसको वोट करें वो इम्पॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अबाउट टूडे, दिस इज अबाउट अ फ्यूचर। अगर हम आज वोट सेक्युलर, दी मोस्ट सेक्युलर पार्टी दैट इज कांग्रेस, विच वी हैव बीन लिविंग टूगेदर इन हारमोनी ऑल दिस ईयर्स, अगर वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे और वो पार्टी को वोट करेंगे, पावर में लाएंगे, तो वी आर, आवर लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी, हमारे फ्यूचर अच्छा है। हम लोग आज पैसा लेंगे, खर्चा हो जाएगा। वी शुड टॉक अबाउट इश्यूज, हमारे कंटोनमेंट में कितना सारा इश्यूज है, टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, हमारे वेलफेयर स्कीम कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं, एससी सीट है जी, एक एससी बोर्ड नहीं है इधर, एक एससी स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, एक एससी लोन इम्प्लीमेंटेशन का डेस्क नहीं है, वेयर आर वी गोइंग ऑन दैट।
दैट इज वेर वी हैव टू चूज द मोस्ट एजुकेटेड कैंडिडेट इन द फ्रे विच इज मिस वेन्नेला गारु हू इज अ पीएचडी हू इज रेडी हू हैज अ गुड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन वी शुड इलेक्ट हर एंड गेट हर द सीट अभी आया वाई शुड वी इलेक्ट कांग्रेस हियर इज हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स माइनर डिक्लेरेशन दैट हम लोग खुलेआम रेवंत रेड्डी साहब अनाउंस करे सर इंक्रीज माइनॉरिटीज वेल पे 4,000 crore and or 1000 crore annually to facilitate subsidized loans for jobless minority youth and women ye hai implementation 1000 crores for youth and women hamare finance session of 5 lakh for muslim christian sikh and other minority youth completing phd additional 1 lakh on completing post graduation 25,000 for graduation 15,000 for intermediate and 10,000 aaj ke around kyun nahi de rahe pura we will have 10,000 12,000 for priests for all the community imams muslim pastors kadims grantis we have been requesting this and this is where congress government comes in front we will provide honorarium to all the pastors all the imams everyone telangana state mein minority division tha pichle 9 years mein koi bhi chairman nahi tha we just announced it here is going just announced before the elections और ये क्या साहब दलित बंधु 10 lakhs का है और माइनॉरिटी लोन 1 lakh का है इतना फर्क क्यों हमें भी 10 lakh दो हमारे यूथ भी है वो भी 10,000 लगा लेंगे वो भी कुछ मिशनरी खरीद लेंगे 1 lakh में क्या और वो भी स्टॉप हो गया नहीं दिए देन वी विल अमेंड तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट टू मेक इट परमानेंट बॉडी प्रोटेक्ट एंड अलॉट लैंड फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स वी हैव बीन फाइटिंग फॉर इट हमारा रिक्वेस्ट हर गवर्नमेंट से था कि बस हमारे को ग्रेवयार्ड दो लैंड है लेकिन नहीं अलॉट करेंगे अलॉट करेंगे तो पशुशाला के लिए अलॉट करेंगे पार्क नहीं करेंगे कम्युनिटी हॉल नहीं बनाएंगे कुछ नहीं लेकिन गौशाला बनाएंगे हमारे आज के यूथ हुआ जस्ट डाइवर्टेड और डाइग्रेस्ड बाई सम फॉल्स प्रोपेगेंडा प्लीज अंडरस्टैंड अगर बीजेपी या बीआरएस गवर्नमेंट आया आर लाइफ इन कंटेनमेंट विल नॉट इम्प्रूव कितने खाली लैंड है उसमें क्यों प्ले ग्राउंड नहीं बना रहे पार्क नहीं बना रहे कम्युनिटी हॉल किधर है कुछ भी नहीं है सो प्लीज पुअर नीड्स ऑल दिस वो पूरा हम लोग कर रहे हैं इधर टू प्रोवाइड हाउस साइट एंड 5 lakh फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द हाउसेस ऑफ हाउसलेस माइनॉरिटी फैमिलीज अंडर इंद्रमा इल्लू स्कीम 1,60,000 टू न्यूली वेड कपल्स फॉर क्रिश्चियंस मुस्लिम्स सिख्स एंड अदर माइनॉरिटीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो यूथ के बारे में बात करते रहता हूँ रीवाइटलाइज सेटविन एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म कुली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होल सिटी बट जो इंपॉर्टेंट यूथ के लिए वी विल डेफिनेटली वर्क एंड गिव देम द लोन्स गिव देम द मनी फॉर एजुकेशन गिव देम लोन्स फॉर देयर बिजनेस एंड वी शुड अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट दैट विल गिव अस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल गिव अस माइनॉरिटीज देयर ड्यू एंड गिव अस वर्क टू बी डन टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज दैट हैव बीन देयर पेंडिंग इन कंटेनमेंट दैट इज द गवर्नमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और फाइनली हमारी बात को खत्म करने से पहले आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि बीआरएस को वोट नहीं डालकर कांग्रेस को क्यों डालना चाहिए कांग्रेस एक बेहतरीन स्कीम कांग्रेस गारंटी के नाम से तेलंगाना स्टेट में लेके आई हुई है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सिर्फ गारंटी कार्ड इशू नहीं करती उसको इंप्लीमेंट भी करती है तो इसी तरह कर्नाटक इलेक्शन में जिस तरीके से गारंटी कार्ड इशू किए थे वहाँ पर फौरी इलेक्शन होने के बाद में इम्प्लीमेंट करे है तो हमें यकीन है कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है वो तेलंगाना स्टेट में भी जो अपना गारंटी कार्ड लेकर आई है उस पर खड़े रहेंगी तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अभी आप लोगों के सामने बताऊंगा मैं कि 6 गारंटी कार्ड जो कांग्रेस की तरफ से रिलीज किया गया है उसके बारे में बताता हूँ मैं सबसे पहले है महालक्ष्मी ये खास तौर पर लेडीज के लिए है जो हर महीना 2,500 रुपये उन लोग को लेडीज को दिया जाएगा और लेडीज को ऑल ओवर तेलंगाना स्टेट में बस की फ्री ट्रैवलिंग दिया जाएगा और गैस सिलेंडर जो 500 रुपये में दिया जाएगा उसके बाद है इंद्रम्मा इल्लू नाम से एक स्कीम निकाली गई है जिसमें जो भी बेरोजगार मतलब ये बेघर है उन लोग को ज़मीन दी जाएगी और उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए 5 lakh की मदद दी जाएगी और जो मूवमेंट तेलंगाना मूवमेंट फाइटर्स थे उनको 250 गज की जमीन भी दी जाएगी इसके बाद बात करते हैं चयूता जिसमें टीआरएस के तरफ से जो 2000 पिंचिन दी जाती है उसी तरह कांग्रेस ने हर महीना 4000 पिंचिन देने का वादा किया है
और आरोग्य श्री जिस तरीके से निकाले थे उसी तरीके से इस बार 10 लाख राजीव आरोग्य श्री का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। रायतु भरोसे के नाम पर जो भी फार्मर्स है उन्हें पर एकर 15,000 सालाना दिया जाएगा और एग्रीकल्चर जो लेबर्स है जो उन लोग को 12,000 सालाना दिया जाएगा। गृह ज्योति के नाम से 200 यूनिट करंट फ्री भी हर एक को दिया जाएगा और युवा विकासम के नाम पे 5 लाख स्टूडेंट कॉलेज 5 लाख रुपए कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। तो बहरहाल ये थे हमारे माइनॉरिटी डिक्लेरेशंस और कांग्रेस का गारंटी कार्ड। जो जो भी बोले हैं इसको आप लोग सोचिए समझिए गौर करिए। उसके बाद में हमको इलिटरेट कैंडिडेट नहीं चाहिए। कंटोनमेंट में भी हमारे जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं वो लोग ही हमारी तकलीफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इसके लिए गौर कर सकते हैं। उसी लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो कैंडिडेट है सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के डॉक्टर जी वी वेनेल्ला गद्दर जो कि MBA PhD नेट PGDSLM इतनी क्वालिफिकेशन है इनके पास, तो मेरे सभी क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज और मुस्लिम माइनॉरिटीज से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कैंडिडेट को वोट देकर इन्हें कामयाब कराइए और हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट को कामयाब बनाइए।